strong enough. आपका नाम? मेरा नाम रोहित सिंह है। आज किस लिए आपको मिठाई खिलाई गई और प्राइज यहाँ पर एक्सलेंट में मिला है? आज हम ग्रीन में सिलेक्ट हुए हैं और हमें बहुत खुशी है कि आज हमें यहाँ पर प्राइज मिला है। कब से यहाँ पर कोचिंग ले रहे थे आप इस इंस्टीट्यूट में? मुझे एक साल हो गया कोचिंग लेते हुए। सर हो गया, हमारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हमें और बहुत अच्छे से हमें ट्रीट करते थे। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस इंस्टीट्यूट में सब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और जो भी बच्चे यहाँ पे आना चाहता है वो यहाँ पे अपने ड्रीम पूरे कर सकता है। हमारे टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हमें। आपका नाम? मेरा नाम जीवन सिंह है, मैं एक्सनेट कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ जहाँ पे आर्मी अग्निवीर JKSB और बहुत ही सारे कोर्स होते हैं। सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं। यहाँ पे वीक बाई वीक मॉक टेस्ट भी होते हैं, कंप्यूटर में भी होते हैं और मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि सभी एक्सीलेंट कोचिंग स्कूल में जरूर एक बार डेमो करके देखें कि वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं और आपको अच्छा लगे जो फिर जरूर पढ़ें। आपकी सिलेक्शन किस में हुई है? आर्मी में। इतनी खुशी हुई जब आपकी सिलेक्शन हुई और जब इस इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद हुई? बहुत खुशी हुई मुझे कि ऐसा तो पहले हर बार मैं फिजिकल पास हो गया था, रिटर्न रहता था, मगर जब इंस्टीट्यूट में आ रहा हूँ तो रिटर्न सर ने करवाया कि मैं पास करवा के रहूँगा, तो सर ने मुझे बहुत हेल्प की है। आपको इस इंस्टीट्यूट के बारे में किसने बताया था? मुझे मेरा दोस्त ही है, उसने बताया था कि इस इंस्टीट्यूट में जाओ तो आपको बहुत अच्छा ट्रीट और करेंगे और आपको बहुत अच्छा ही पढ़ाएंगे। अगर फीस की बात करें तो कैसी फीस है यहाँ पर? फीस तो बहुत ही कम है मगर सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि फीस बहुत ही कम है। बहुत खुशी का माहौल है, मेरे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है सर, मैं सीरियसली बताऊं। जैसे कि मैंने जो सपना देखा था कि हम बच्चों के अंदर स्किल जनरेट करेंगे, बच्चों को ऐसी शिक्षा देंगे कि जो उसकी बेहतरी के लिए हो, उसको आगे बढ़ाने के लिए हो, वैसा माहौल जो हम अपने इंस्टीट्यूट में बनाएंगे, तो वो जो सोच हमने रखी थी वो धीरे धीरे जो है कामयाब हो रही है और उसमें कामयाबी जो हमारे इन दोनों बच्चे ने हमें दिलवाई है, इसके लिए मैं तहे दिल से इनका धन्यवाद करूंगा। इन्होंने अपनी मेहनत की, जैसे कि आपको जीवन ने बताया, रोहित ने बताया कि हम फिजिकल में हर बार सिलेक्ट हो जाते थे और रिटर्न में रह जाते थे, तो इन्होंने सर से बात की, जो हमारे सर हैं जो कोचिंग करवाते हैं इधर मनोज सर, बहुत अच्छे से उन्होंने इनको जो वो फोकस किया कि इन्होंने कहा कि भाई हमसे नहीं होता तो पहले अटेम्प्ट में सर ये। और आप, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं कठुआ के अंदर, हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कोचिंग का। एक्चुअली हम स्किल में थे पहले, तो कोचिंग अभी मैंने न्यूली स्टार्ट किया था और इसमें हमारे पास एवरेज स्टूडेंट को जो हमारा पहला बैच था वो कि 15-20 का था, ठीक है। और बाकी इंस्टीट्यूशंस में आप देख सकते हैं किसी के में 500 है, किसी के अंदर किसी में तो 600-700 बच्चे जो है वो पढ़ रहे हैं, उनमें से इतना सिलेक्शन नहीं आया है। रेशो के हिसाब से अगर देखें तो 15 बच्चों में से 3 बच्चों की हमारी सिलेक्शन हुई है, जिसमें 2 प्रेजेंट है, एक बहुत बीमार था नहीं तो हमने उसको बुलाया था, उसका नाम राघव है, वो भी हमारे अग्निवीर आर्मी में सिलेक्ट हुआ है, एक जीवन आ गया और हमारे रोहित जी हैं, इन्होंने सिलेक्शन ली है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं और सभी से अपील करूंगा कि भाई आप एक बार एक्सनेट में आए, अपना एक बार डेमो लगाएं, आपको अगर लगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप हमारे पास ही आओ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम एक ही चीज करना चाहते हैं कि बच्चों को स्किल जनरेट करना चाहते हैं, बच्चों के अंदर हम ऐसा करना चाहते हैं कि हर बच्चा जो यहाँ आए वो कुछ ना कुछ सीख के जाए और सिलेक्शन लेके जाए। बस यही इस मीडिया के माध्यम से मैं अपने शहर वासियों को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को भी इंटरेस्टेड है, हमारे पास हर तरह की कोचिंग है, JKSSB की है, SSC GD की है, बैंक की है, क्लर्क की है, NDA की है, CDS की है, अग्निवीर की है, मतलब तमाम जितनी भी कोचिंग्स हैं वो सारी अवेलेबल होंगी एक्सलेंट के अंदर। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड हो वो यहाँ आ सकता है, हमारे नया बैच शुरू हो चुका है JKP का, आपने सुना होगा JKP कांस्टेबल की जो है वो पोस्टें निकली हुई हैं, उसकी कोचिंग शुरू हो चुकी है, तो अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो सुबह वाला बैच और दोपहर वाला बैच में भी जो है वो हमारे यहाँ पे आ सकता है। और एक बेहतरीन कोर्स जो है, जो आज की डेट में डिमांड है जिसकी,
जिसमें एआई की भी बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसमें कोडिंग मेन है। अगर एआई में जाना भी हो किसी बच्चे को, तो उसका बेस पहले अच्छे से होना चाहिए। उस बेस को बनाने के लिए बच्चों को आनी चाहिए कोडिंग, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है ना। तो वो भी हमारे पास अब जो है वो स्टार्ट हो चुका है बैच, ठीक है। अगर कोई भी बच्चा उसके लिए इंटरेस्टेड है कि अगर उसने कोडिंग सीखनी है, एचटीएमएल सीखना है, जावा सीखना है, C++ सीखना है, पाइथन सीखना है, ये सारे कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल हैं शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में, जैसे 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर। अगर वो भी बच्चा वो भी इंटरेस्टेड है तो वो भी हमारे इंस्टीट्यूट में आ सकता है। हमारे 2 बैच अभी स्टार्ट हो रहे हैं डेमो क्लासेस की भी, 12 से 1, 1 से 2। और अगर बच्चे का अगर स्ट्रेंथ रहेगी तो हम इवनिंग बैच भी बनाएंगे, उसमें मॉर्निंग बैच भी बनाएंगे।